नमस्कारः। संस्कृतशारदायाः हृन्मन्दिरे विलसन्तीयं संस्कृतपत्रिका वार्तावली पुनरेकवारम् उपस्थितास्ति समेषां भवतां मनोरञ्जनाय ज्ञानवर्धनाय च। एषोऽहं गवीषद्विवेदी। अभिवादे, अहं ऋचा। सद्यस्तनम् उल्लासकं क्रिस्मस् पर्व अभिलक्ष्य वार्तावलीपक्षतः अभिनन्द्यन्ते सर्वेऽपि प्रियदर्शकाः। गवीष, दर्शकाणाम् अनुराग एव एषः यस्मात् वार्तावली विभव वरीवृध्यते। नूनं वस्तुतस्तु प्रेमतत्त्वमेव जगति परमाणूनपि पर्वतीकृत्य प्रकटयति। अमुनैव च पृथिवीतले सर्वत्र सौहार्दः समरसता च प्रसरतः। आम्, प्रेमतत्त्वम् एव ईशप्राप्तयेऽपि सोपानभूतमस्ति। प्रत्यहं जायतां जातं यत् परमेश्वरादत इदं प्रेमीश्वरं वेत्यहो यः प्रेम्णि प्रियतामयीं व्यवहितिम् हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Ayameva premabhavah sangachchadvam samvadadvam samvo manansi janatam ityanaya vedikoktyapi pramanikritosti. निखिल विश्वस्य कृते ऐक्यार्थम् अयमेव सूत्ररूपः। तर्हि कथङ्कारमस्ति वैश्विकवृत्तजातम् इति जानीमः प्रवाहिवार्ता माध्यमेन। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वाराणस्यै प्रायः एकविंशत्यर्बुदमूल्यात्मकानि सौविध्यानि उपायनी कृतानि। पण्डितमदनमोहनमालवीयकर्करोगकेन्द्रस्य अतिविशिष्टोपचर्या रुग्णालयस्य च शिलान्यासेन सममेव प्रधानमन्त्रिणा भूम्यन्तः केब्लिङ्ग् इति तारव्यवस्थापनकार्यं, हृदययोजनान्तर्गतं च रिक्तवास्तूनां कृते विद्युत् संयोजनकार्यमपि निरीक्षितम्। प्रधानमन्त्रिणा तत्रत्यैः बालैः साकमपि मेलनं व्यधायि। विमुद्रीकरणादनन्तरं भीतासु आकस्मिकान्वीक्षणघटनासु अपरिमितसम्पत्तयः रूकराशयश्च अधिगताः। अस्मिन्नेव उपक्रमे आयकरविभागेन तमिलनाडोः मुख्यसचिवस्य राममोहनरावस्य चेन्नैस्थे गृहे आकस्मिकान्वीक्षणं कृतम्। विमुद्रीकरणानन्तरम् एतावता देशे 85.3 लाख करोड़ रूप्यकमूल्यात्मिकाः अघोषितसम्पदः प्रकाशिताः। दिल्ल्याः उपराज्यपालः नजीबजङ्गः स्वीयपदात् त्यागपत्रम् अदात्। उपराज्यपालेन समर्थनाय दिल्लीवासिनः प्रतिसाधुवादाः व्याहृताः। दूरदर्शने कीर्तिमानस्थापकः बी आर् चोपडा निर्मितः महाभारताख्यः धारावाहिकार्यक्रमः सम्प्रति आकाशवाण्या प्रसार्यते। एतत् प्रसारणं सोमवासरतः शुक्रवासरं यावत् हिन्दीक्षेत्रीयाः 70 प्रमुखवाहिनीः समेत्य दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई नगरीयासु FM गोल्डवाहिनीष्वपि विधीयते। तुर्की देशे रूसदेशीयो राजदूतः आन्द्रे कार्लोवः गोलिका प्रहारेण निहतः। हन्ता किलं मेवलुत मेर्थ्र एण्डिटास् आख्यः 22 वर्षीयो जनः अभिज्ञातः। जर्मनी राजधान्यां बर्लिन नगरे क्रिसमस विपणिस्थले क्रयणरतः जनसम्मर्दः केनचित्रकयानेन आक्रान्तः। घटनायामस्यां न्यूनातिन्यूनं 12 जनाः कालग्रासीभूताः, 50 प्रायाश्च व्रणिताः। चेन्नय्यां भारतेन इंग्लैण्डं पर्याय समेतैः 75 धावनाङ्कैः पराभूय ऐतिहासिको विजयोधिगतः। अमुना विजयेन भारतेन 5 द्वन्द्वश्रृङ्खला विजयचतुष्कपूर्वकं विजितास्ते। करुणनायरेण शतकत्रयं विरच्य अभिनव इतिहासः रचितः।
विश्वस्मिन् विश्वे क्रिसमस पर्वोल्लासः सर्वतोदरी दृश्यते। देशस्य प्रमुखेषु क्रिस्तीय उपासनगृहेषु भव्योपकल्पनानि विधीयन्ते। ईसा मसीहस्य शुभागमनार्थं विपण्यः गृहाणि च सुरम्यशोभया विभूष्यन्ते। विदेशेष्वपि बहुकालात् क्रिसमस पूर्वोपकल्पनानि प्रवर्तन्ते। ऋचे, अधुनैव मया सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् इत्येषः वैदिकमन्त्रः उदाहृतः आसीत्। तदनुषङ्गेणैव सूचयामि यत् अचिरमेव वेदसम्मेलनमेकं सम्पन्नं। वेदवाङ्मयविषये गहनपरिशीलनकरस्य अस्य कार्यक्रमस्य वृत्तान्तः सम्प्रति अत्र प्रस्तूयते। वेदेषु प्रतिपादितज्ञानविज्ञानराशेः माहात्म्यं विविधानुसन्धानमाध्यमैः सकले अपि विश्वमञ्चे पुनः सजवं प्रख्यापयितुं वेव्स् नाम्न्या संस्थया सद्य एव नवदिल्ल्यां चतुर्दिवसव्यापि सम्मेलनमेकम् अनुष्ठितम्। Modern medicine has discovered the mind-body connection, but doesn't have much to do, much therapies for it. So I looked to traditional systems of natural medicine, and I discovered yoga, meditation, and Ayurveda offering solutions for the problems of contemporary society. I am particularly interested in Vedanta and in the analysis of consciousness and the physical reality as in their unity. And that is, of course, where India has presented a fascinating picture of unified knowledge, the unified field of consciousness. The beauty of it is the Sanskrit, it's not just a language like French and German, it's got this substance that is the core of the Indo-European languages, including Greek and Latin. Anyone who gets really well educated throughout the world eventually finds Sanskrit, finds the Veda, and realizes that this is a vast library of important knowledge. Antarashtriya Vaidik Sammelane Asmin Trinshaduttareika Shatena Anusandhatribhi Vidvadbhischa Vaidik Shodha Vishayakani Shodha Patrani Prastutani. अहो, अशेष ज्ञानराशि रूपाः वेदाः वैदेशिक विदुषां कृतेपि अध्ययनस्य अनुसंधानस्य च आकर्षण भूताः विद्यन्ते। इमे विद्वांसश्चापि सम्मोहिताः एव तान् अध्येतुम् अत्र आयान्ति। एवं विधैव विदुषी एका बल्गेरियातः संप्राप्तास्ति त्रिज्यान्तर्गतं संवादाय। साधयामस्तावत् सोफिया विश्वविद्यालये कार्यरतया डॉक्टर मिलेना ब्रातोएवा वर्यया सह संवादम्। बल्गारियायां जाता मिलेना ब्रातोएवा भारतीय दर्शन शास्त्रैः संस्कृति सभ्यता कलाभिश्च इयति प्रभाविता अभवत् यत् सा वैदिकं पौराणिकं च ज्ञानम् अधिगन्तुं संस्कृतवाङ्मयं गाम्भीर्येण अनुशीलितवती। अदूष्य वैदुष्य शोभिता बहुभाषा कोविदा प्राच्यविद्या विदुषीयं सम्प्रति सोफिया विश्वविद्यालये क्लासिकल् ईस्ट् विभागे अध्यक्षपदम् अलङ्करोति। अथ च ईस्ट् वेस्ट् इण्डोलोजिकल् फौण्डेशन् संस्थायाम् औपाध्यक्षम् अपि निर्वहति। आज हमारे साथ बल्गारिया से एक खास मेहमान उपस्थित हैं, जो संस्कृत एवं हिंदी विदुषी तथा भारत प्रेमी हैं, प्रोफेसर मिलेना ब्रातोएवा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका भारतीय संस्कृति के प्रति कैसे रुचि बढ़ी और ख़ास तौर पर संस्कृत भाषा के प्रति। भारतीय संस्कृति से मेरा सबसे पहला संपर्क शायद लगभग 30-35 सालों से पहले हो चुका, जब मैंने एक भारतीय लेखक की कुछ न कुछ कविताओं को पढ़ ली। उसका नाम है प्रभजोत कौर और उनकी कुछ कविताओं का बल्गेरियन अनुवाद थी। मुझे ये कविताएं ऐसी ऊंची लगीं कि मैं दूसरे भारतीय लेखकों और लेखिकाओं की रचनाएं पढ़ने लगी। उदाहरण के लिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाएं, तो वे तो बल्गेरियन भाषा में भी अनुवादित है, परंतु संस्कृत साहित्य की सबसे पहली रचना जिनको मैंने पढ़ा
ये जो महाभारत की नलोपाख्याना था, नलोपाख्याना थी जी हाँ। और तो मैं तो ऐसी प्रभावित थी कि मैं धीरे धीरे भिन्न भिन्न उपाख्यान महाभारत के भिन्न भिन्न उपाख्यान तो परख ली जो इसी समय बल्गेरियन भाषा में अनुवादित थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बल्गारिया में संस्कृत भाषा का क्या इतिहास रहा है। बल्गेरिया लोक की रुचि भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी है, तो मैं कह सकती हूँ कि शायद दो शताब्दियों से तो बड़ी रुचि है भारतीय संस्कृति में, परंतु अकेडेमिक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन 20वीं शताब्दी के शुरू में हो गई। 1923 में तो भारत विद्या विभाग का स्थापना हुआ सोफिया विश्वविद्यालय में, और इससे तो संस्कृत का अध्ययन अध्यापन अकादेमिक रूप में शुरू हो गया। सबसे पहली संस्कृत अध्यापिका हमारे विभाग में यूर्दांका बुयानोवा थी, जो मेरी ही पहली अध्यापिका भी थी। और वो तो भगवद गीता का अनुवाद पहली बार के लिए संस्कृत से बल्गेरिया में अनुवादित किया। वर्तमान समय में बल्गारिया में संस्कृत को पढ़ने के लिए लोगों में कितनी उत्सुकता है? कह सकती हूँ बड़ी विशाल रुचि है। उदाहरण के लिए हमारे एक फाउंडेशन है, ईस्ट वेस्ट इंडोलॉजिकल फाउंडेशन है, और वहाँ तो संस्कृत कोर्सेस हैं जिन में तो डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, अध्यापिका अध्यापिका, अच्छा। तो फिलोसोफर तो आते हैं, और कई तो बहुत सफल होते हैं संस्कृत अध्ययन में। संस्कृत की कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसा साहित्य जिससे आप बहुत प्रेरित हुई हो, जिसको आपने बार बार पढ़ना चाहा हो, उसके विषय में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरी सबसे बड़ी रुचि तो उपनिषदों में है। ऐसे गंभीर ज्ञान इनमें से इन ग्रंथों में है कि मैं तो शायद 10 सालों से तो पढ़ती रहती हूँ, और अभी तो एक कुलीक के कीकत है, हम 8 उपनिषदों का अनुवाद समाप्त कर रहे हैं। शायद इस साल के अंत तक तो हम तैयार ही होंगे। तो ये तो पहला अनुवाद ही होगा जो संस्कृत से बल्गेरियन भाषा में किया जाएगा, क्योंकि अभी तक उपनिषदों का अनुवाद अंग्रेजी या रूसी भाषा के द्वारा किया गया है। अंत में चलते चलते यदि कोई ऐसा संस्कृत का प्रिय श्लोक आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहें। अभी मैं बृहदारण्यक उपनिषद से एक मंत्रांश बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आता है। काम माया एवायम पुरुष इति सा यदा कामो भावति तत्क्रतुर भावति यत्क्रतुर भावति तत्कर्म कुरुते यत कर्म कुरुते तत अभिसामा पाद्यते। बहुत सुंदर, पूरे कर्म का सिद्धांत इसमें बताया गया, मानव जीवन में कर्म की क्या उपयोगिता है। मैडम, आप हमारी स्टूडियो में पधारी, आपने हमें अपना बेहद कीमती समय दिया, इसके लिए वार्तावली परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार। नमस्कार। नमस्कार। नूनम यत कर्म कुरुते तत अभिसंपद्यते। प्रिय दर्शकाः, कियती सरला मधुरा चास्ति इयं संस्कृत भाषा, इयं च परदेशीय विदुषोपि वारं वारं सम्मोहयति। गविष मोहयति, सुभाषकः भवान् सममेव विद्वान् बलवान् अपि। अलम अलम, किमर्थं मदीयं विशेषण अलंकरणं? भो दर्शकाः,
नैशा ऋचा प्रयोजनम् अनुदिश्य किमपि वदति। सत्यमुक्तम्। अत्रापि प्रयोजनम्। अद्यतावत् शिक्षणक्रमे अस्मदीयो गुरुः विशेषण प्रयोगमेव शिक्षयति। नमस्कारः। वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षणक्रमे भवतां भवतीनां च पुनः स्वागतम्। आदौ पुनरभ्यासः। अहं जलपानं कृत्वा संस्कृतं पाठयितुम् अत्र आगतवान्। भवन्तः गृहात् आगत्य संस्कृतं पठितुम् अत्र आगतवन्तः। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः गणेशः। गणेशः चतुरः। गणेशः मूर्खः वा? नहि, गणेशः चतुरः। तिष्ठतु। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः अरुणकिशोरः। अरुणकिशोरः कृशः। कृशः वा? न, कृशः नास्ति। कृशः नास्ति। एषः स्थूलः। एषः बलवान्। एषः एषः बुद्धिमान्। एषः एषः मूर्खः वा? नास्ति। गच्छतु। भवती अत्र आगच्छतु। आकाङ्क्षा बुद्धिमती। आकाङ्क्षा बुद्धिमती। आकाङ्क्षा बलवती। आकाङ्क्षा बलवती। आकाङ्क्षा चतुरा। आकाङ्क्षा चतुरा। गच्छतु। भवान् अत्र आगच्छतु। एषा नन्दरामा। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः अमितः। एषः नन्दरामः। एषः नन्दरामः ज्येष्ठः। नन्दरामः ज्येष्ठः। अमितः कनिष्ठः। अमितः कनिष्ठः। नन्दरामः उन्नतः। नन्दरामः उन्नतः। अमितः लघु। अमितः लघु। गच्छतु। एषा लेखनी दीर्घा। एषा लेखनी लघ्वी वा? नास्ति। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः सूर्यप्रकाशः। सूर्यप्रकाशः गुणी। सूर्यप्रकाशः गुणी। एषः गुणवान्। एषः गुणवान्। बहु शोभनं। गच्छतु। भवती अत्र आगच्छतु। एषा मञ्जू गुणवती अस्ति। मञ्जू गुणवती अस्ति। मञ्जू बुद्धिमती अस्ति। मञ्जू बुद्धिमती अस्ति। बहु शोभनं। गच्छतु। वयं सर्वेपि बुद्धिमन्तः स्मः। वयं चतुरा स्मः। वयं साम्प्रतम् एकं गीतं। बुद्धिमान् हस्ति चतुरः श्रीगालः। बुद्धिमान् हस्ति चतुरः श्रीगालः। सरला च धेनु चञ्चलश्च वानरः। सरला च धेनु चञ्चलश्च वानरः। मधुरस्वरा कोकिला कर्कशश्च काकः। सुकश्चानुकर्ता तितीर्षुश्च वर्तकः। तीव्रगामी अश्वः सुनयना च हरिणी। नृत्यप्रियः मयूरा हंसा मृदुनादिनी। सिंह आक्रामका भयङ्करः ऋक्षः। निद्रालुशूकरः दिवान्धः उलूकः। हिंसकस्तु व्याघ्रः वकः ध्यानमग्नः। अलसश्च गण्डका गर्दभैव गर्दभः। सम्प्रति सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामिसप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। ऋचे, सरलसंस्कृतशिक्षणेन अद्य तु विशेषणविभूषितां विशेषताम् आवहति अस्मदीया वार्तावली। अस्याश्च अन्यतमविशेषता अस्ति स्पर्धागीतम्। स्पर्धागीतम्, आम्। अद्य तु दो दिल मिल रहे हैं इति गीतस्य कृते निर्णयः घोषणीयः। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। गविष्य, संस्कृत समुपासकान् अनुवादाय प्रेरयन्त्याः गीतानुवाद स्पर्धायाः अद्यतन विजेता अस्ति जम्मूतः डाक्टर् सतीश कुमार कपूरः। गीतमिदं स्वीय सुमधुर स्वरेण गीतं राजेश उपाध्याय वर्येण। मनसो संगमोयम्
मनसो संगमोयम परम भावगूढ़म मनसो संगमोयम परम भावगूढ़म सर्वे जानते तत् हाँ सर्वे जानते तत् रहो भावगूढ़म ओ मनसो संगमोयम परम भावगूढ़म श्वसन महो व्याघ्र वेगम निशा जागरम नेत्युग्मे क्वचिदनुरक्तं मनश्चेत् पुनरपि नान्यानुगम हृदयं स्वकीयं क्षणं धारयेयं मोहन मन्त्रं पदं कारयेयं जृम्भतेयम् मन्त्रो जृम्भतेयम् पुरं भावगूढं मनसो संगमोयम् परं भावगूढं विलसत्य हो मुग्धम् किमपि यथा न घटितम् विशदमिदं लोकयामो निशनैवोदितं दिनम् किमिदं किमपि न हि चेदिदं अधरे मौनम् असति परम् संवदन्ते संवदन्ते दृशो हृन्निगूढं मनसो संगमोयं परं भावगूढं वर्धापनानि भवते विजयत्रिवर एवमेव आयत्यामपि भवतां दर्शकानां स्पर्धा सहभागम् अपेक्षामहे वयम् गविष्य कालस्तु क्षणे क्षणे नवतामुपैति तथा नववर्षं चापि आयाति तस्मात् स्पर्धायै अपि नवोत्साहः स्यात् आम् तच्चालक्ष्य प्रतिक्षणं नवनवोत्साहपूर्वकं यापनीयं जीवनम् यतो हि प्रियदर्शकाः हरपल्यः जी भर जियो जो है समा कल हो न हो इदं चैवास्ति अस्मदीयं स्पर्धा गीतम् हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहां जी भर जियो जो है समा कल हो न हो अस्य च विशुद्ध गेयतानुकूलानुवादाय अन्तिमावधिः अस्ति आगामि वर्षे जनवरी मासीयः द्वितीयो दिवसः निर्णयश्च तदनु सप्तमे दिने घोषयिष्यते गविष्य अस्मदीय दर्शकानां पत्रानुरागोऽपि वार्तावल्यै महामोदकरः सिध्यति वार्तावल्याः नियमितदर्शिका डाक्टर् सुदर्शन कौशिकः लिखति यत् वार्तावली नाम प्रस्तुतेः नवतायाः ज्ञानप्रसारस्य च एका व्यापिनी रोचकसङ्कल्पना अस्ति क्वचिच्च आविर्भूयमानाः काश्चन त्रुटीः संशोध्य इयं भूयोऽपि विभूषणीया धन्यवादः महोदये अवधास्यन्ते इमाः भवदीयसूचनाः बेङ्गलूरुनगरात् पी एस् विश्वनाथन् सूचयति यत् संस्कृताभ्यासरतः अहं वार्तावलीं नित्यशः अवलोकयामि कार्यक्रमोऽयं संस्कृतजिज्ञासुभ्यः नितान्तप्रेरणादायकः विविधविद्वद्भिः सह संवादक्रमोऽपि संस्कृतानुरागवर्धकः प्रतिभाति
वार्तावली कृतार्था अस्ति महोदय भवद्वचनैः। क्रिस्मस् पर्वणः मोदानन्दमनुभूय सम्प्रति अस्माभिः भवद्भिश्च दर्शकैः अपि आङ्ग्लनववर्षस्य स्वागतोपकल्पनाय सज्जीभवितव्यम्। आम्, अस्मदीयो वार्तावली गणः अपि उपकल्पनाय सङ्कल्पते। आगामिनं चाङ्कं नवतालङ्कृतं सज्जीकर्तुं वार्तावलीं च विभूषयितुं बद्धपरिकरोऽस्ति। तर्हि अनुज्ञापयन्तु अस्मान् अस्मै उपकल्पनार्थम्। पुनरागमिष्यामः विशेषमेकम् अङ्कम् आदाय। नमो नमः। प्राग् अग्निसंरूक्षणम् हि इदमेव धूमायुधम् यथा नेत्रनिर्वाणमेक ततोऽपि तथाप्यायुधम् द्वितीयं केयं यथा विद्यते उभयोस्तुल्य तथा सिद्ध्यति दर्शनीयम् एतत् दर्शनीयम् ततः सम्यगूढम् मनसो सङ्गमोऽयम् परं भावगूढम् सर्वे जानुते सर्वे जान